हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ। मतलब अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे तो, और ठीक ही रहें। और आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है हमारे घर में बड़े जेठ जी का श्राद्ध। हाँ, जो बड़ी दीदी है ना, सबसे काफी बार मैंने उनसे मिलाया है आपको, और आज मैं आप उनके परिवार से भी आपको मिलाऊंगी, उनके बच्चों से, उनकी बहुओं से। तो बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हम 1 लाख के बहुत नजदीक हैं। जो न्यू होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करने के लिए। मैं अब शुरू करती हूँ आपको बताना कि हम क्या बना रहे हैं, क्या क्या बनाते हैं, कैसे पूजन होता है सारा। ये दो तीन तीन ब्लॉग बनेंगे इसके, धाम से लेके पूरा मैंने कवर किया हुआ है। अपने घर में धाम भी हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उड़द दाल पीसी हुई है भिगो के, तो उसके भल्ले बनाएंगे सबसे पहले। और चौर में जो खाना बन रहा है बाहर, जो धाम 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 तो नहीं है वो, श्राद्ध है, एक छोटा सा फंक्शन, फंक्शन भी नहीं है, श्राद्ध है मतलब। तो वो भी हम बताऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं लगी भल्ले बनाने, और मैं घर घर नहीं गई थी, काउशर जब आई थी तो मैं घर नहीं गई थी, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं पे थी। और अभी अपने हस्बैंड को, इनको बोला है ना क्या, आप शूट करो हम बनाते हैं। तो एक साइड दीदी मालपुड़ों के लिए आटा बना रही है, और मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि बड़े श्राद्ध में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पंडित जी आएंगे ना, वो लेके जाएंगे पूजन करवा के, तो उनके लिए हम अंदर बनाते हैं। और बाकी जो है गाँव वालों के लिए, जैसे खाना बनेगा, कढ़ी चाव जो भी है, सब्जियां, वो बाहर बनती हैं चौर में, वो भी मैंने शूट किया है। तो अभी यहाँ पे ये जो है मैं भल्ले बना रही हूँ, और देखो कहाँ पे पकड़ा है इन्होंने, भल्ले तो दिख नहीं रहे, फोन पता नहीं कहाँ पे पकड़ के रखा है। ये दिक्कत होती है मुझे औरों से फोन पकड़ाने में, तो इस करके मैं मैक्सिमम जो है अपने आप ही पकड़ती हूँ फोन। मतलब ट्राईपोड नहीं लेके गई थी मैं, क्योंकि मैं काउशेड से आ गई थी यहाँ को, मैं घर नहीं गई थी। और दीदी मालपुड़ों के लिए आटा लगा रही है, और मुझसे किसी ने पूछा, चलो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देवरानी के लिए मुझसे पूछा था कि देवरानी के साथ कैसे रहना चाहिए, मेरे देवर की शादी है और आप बताना, तो चलो मैं बताऊंगी कैसा रिलेशन होना चाहिए हमारा, और मेरा कैसा है अपनी देवरानी जेठानियों के साथ, वो तो आप देख ही सकते हैं। और अपनी तरफ से अच्छा ही करो, अपनी तरफ से अच्छा बोलो, और आगे से मत ये चाहो, अगर हम ये सोचेंगे कि आगे अगले वाला जो है हमारे को अच्छा बोलेगा तभी हम अच्छा बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छाई की वर्डों की शुरुआत, अच्छाई की शुरुआत, सच्चाई की शुरुआत अपने आप से करनी होती है, सबसे पहले खुद करनी होती है, फिर आगे से हमें जो है उम्मीद रखनी होती है कि वो क्या करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये भल्ले जो है ये सिर्फ पूजा के लिए ही है, बाकी थोड़े से बच जाएंगे तो पता नहीं है, बाकी वैसे ये पूजा के लिए रखेंगे। अभी पंडित जी आएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम जो है हवन करते हैं। और यहाँ पे ये वाली क्लिप थोड़ी सी लंबी हो गई है तो माफ करना मुझे, बट मैं बात भी आपको समझाना चाहती थी, और एक ब्लॉग में ये नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए अभी मालपूड़े भी बनाएंगे आपके सामने। तो ये आटा और इसमें जो है गुड़ घोल दिया था पहले, काफी देर पहले, तो थोड़ा सा आटा जो कम था ना तो और डाला, बाकी इसको 1-2 घंटा पहले ही घोल देते हम, मतलब पानी में। तो ये देखिए, और बस अब भल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे। भिंडी बनाई थी हमने, अंदर जो बनाया था, बाहर और बनाया था, वो कल आएगा वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, कल का वीडियो जरूर 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 देखें। काफी दिनों से मुझसे हिमाचली धाम स्टाइल के बारे में पूछ रहे थे, कढ़ी, आलू चावल और बूंदी का मीठा, तीनों सब्जियां मैंने कवर की हुई है जो कल की वीडियो में आएंगी, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले, हिमाचल का कल्चर देखने के लिए। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, जबकि मैं इतना नहीं बोलती, सॉरी भाई सॉरी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप मिस ना करो और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो चलो आगे का दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, ये दीदी है, और हमारे जीगर जी ना बहुत कम उम्र में चले गए थे, 50 साल के थे अभी। चलो भगवान को जो मंजूर होता है वही, और ये बन गए हमारे भल्ले।
तेल में तले हुए भल्ले मैंने भी कई बार बनाए हैं, कई तरीके से बनते हैं, तो ये भी मैंने अभी मैंने ही बनाए हैं। ये देखिए, चलो चलो तो ये देखिए, अभी मालपुड़ों की तैयारी हो गई है, भल्ले हो गए हैं, और पहला मालपुड़ा जो है अन्य के पापा ने बनाया, पर हम सभी मजाक उड़ा रहे थे कितना मोटा बना दिया। अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको, काफी खूब हंसी मजाक मतलब हमने खुशी खुशी जो ये बनाया बनाया श्राद्ध। और कहते हैं, सुना है, पितर खुश होते हैं, भगवान जानता है आगे उनको पहुंचता है लगता है, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये वेद शास्त्र हमारे पहुंच से बहुत दूर हैं। तो ये देखिए, और दीदी वहां से वो कर रही है, मैं इनको यहाँ पे ये कर रही हूँ। वो कर रही है दीदी, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये मैंने बताया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इनको ना वो कर रही हूँ, अलट पलट रही हूँ। ये देखिए, ये आया मालपुड़ा जी, बहुत ही टेस्टी मालपुड़ा, ये देखो। और अगला भी डाल दिया, तो अभी शुरू शुरू में एक दो ऐसे ही बने थे, बाकी बाद में बहुत अच्छे बने थे, तो मैंने तो दिखा दिए शुरू के भी और लास्ट के भी, ऐसा कुछ नहीं, बस इनको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा ना फैलाना पड़ता है थोड़ा सा आटा। ये एक्चुअली उस इनकी ना जो कढ़ाई होती है मालपुड़े बनाने की, वो अलग होती है। ये देखिए, मैं आपको मालपुड़ा बनाती हूँ, और जो बनाया है नहीं के पापा ने देखी। इसको हमने यहाँ पे रख दिया सजाने के लिए, और बाकी ये होते हैं हमारे यहाँ पे मालपुड़े, ऐसे बनते हैं, बड़े अच्छे बने हैं, और ऐसा होता है बड़ी फैमिली में। भाई ये देखो, साथ दे दीदी, ना फूल के बनाई लूंगी, जा साथ दे, साथ दे। जा रही हूँ पार दीदी के घर में, और सुबह आ गई थी मैं थोड़ा सा बना के, अब पंडित जी आए होने, पता नहीं शूट करूंगी थोड़ा सा, हवन ने वो पूजन करेंगे। और देखो हमारे बिल्लू यहाँ पे लड़ रहे हैं, लड़ते क्यों हो भाई, गंदे आदमी, दो बार दूध पी चुके हैं, पता दिखे आपको, ये देखो दो बार दूध पी चुके हैं। मैं जाती हूँ पार, देखती हूँ क्या क्या कर रहे हैं, है ना, आपको भी दिखाऊंगी। और काफी फर्क है आज, मतलब काफी ठीक हूँ मैं, पहले से ज्यादा बेहतर। ये दुपट्टा मैंने ना इन कपड़ों के साथ लिया है, जो इनका दुपट्टा है ना वो सिर के ऊपर नहीं टिकता बिल्कुल भी, बस फोन बाद जो मैं उठाया नहीं जाता ज़्यादा देर, ये प्रॉब्लम है, बाकी काफ़ी ठीक हूँ। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, बस इतना मैं टूटती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये होगी तो सारे ये हो जाएंगे घर वाले। तो चलो दीदी के घर में चलते हैं। अच्छी ठीक हो, ये देखो मेरी दोनों बिठाई यहाँ पे मालपुड़ बना रही है, पहले मैं बना के गई थी तो मैं आप दीदी, अब अच्छे बन रहे हैं, मैं बनाती हूँ। और अभी यहाँ पे पंडित जी आने वाले हैं, ये देखिए, अरे मैं अपना, मैंने रखे यहाँ पे चाय को पानी, वो खाना बनाने वाले आ गए हैं, उनके लिए बना रही हूँ चाय, ये पकोड़ों के लिए, पकोड़ों में पड़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं ये पकोड़े, वो शायद दूसरे ब्लॉग में आएगा। बहु बार बैठी है, हाय कर लो, कमू हाय गाइस।
वेलकम बैक टू माय, ये हमारी छोटी दातुन, ये अखरोट की दातुन है। क्या फायदे होते हैं इसके करने से? दांत व्हाइट चमक जाते हैं बिल्कुल, चमक और इनमें कीड़ा और दांतों में कीड़ा लगता नहीं। हाँ, हमारे दांतों में बहुत अच्छे पीड़ा, हमारे दांतों को नहीं लगेगा। इसके दांत सुंदर है तो ऐसे बोल रही है, ना होगी पीड़ा। इसके दांत देखो कितने सुंदर है। तो ये जब घर आते हैं ना सारे लोग, तो ये अखरोट की दातुन करते हैं यहाँ पे, वैसे ये शिमला में रहते हैं। बिल्कुल वाइट, और जो आप ऊपर दिख रहे हैं ना वो खाना बनाने वाले हैं। मैं कल के ब्लॉग में आएगा इसका जो है। हेलो गाइस, कैसे करते हैं? हाँ दिखा रही है कैसे करती है। हमारी बहू बहुत मजा किया है, देखो दांत बिल्कुल चमक जाते हैं। तो देखिए पंडित जी आ चुके हैं, अब आप आगे खुद सुन लीजिए। मैंने वॉइस ओवर नहीं दी है, मत्था टेकते हैं हमारे जब पंडित जी आते हैं सभी, मैंने भी टेका। और अब ये करवाएंगे पूजन, आप सुनते रहिए और देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। ये अंदर का तो सामान दिखाया मैंने, मतलब जो खाना अंदर बनेगा वो है ये। हाँ जी, हाँ जी, और क्या जाने वो दसवीं बहुत प्यारी, दसवीं बहुत प्यारी। और अब आपने भूपामी के लिए ध्यान कर रहे हो, और इतने को
कर दे आने वाले सामने आते हुए हेलो हेलो तो ये देखिए लास्ट में क्लिप मैंने ऐसे ही ऐड कर दी हरियाली दिखाने के लिए मक्की का खेत है। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? तो सबकी आंखें मतलब अब हम तो खुशी खुशी कर रहे थे ना, अब होता ही है थोड़ी देर के लिए आंखें ऐसे नम हो गई थी। तो हर चीज़ ये नहीं होती दिखानी ज़रूरी नहीं होती है, बट 11 साल हो गए वो छोटी सी उम्र, कुछ भी नहीं हुआ था उनको, नॉर्मली बुखार था और वो चले गए थे। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें और 2-3 दिन कंटिन्यू आपको यही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, धाम फिर कैसे खिलाते हैं लोगों को, कैसे देते हैं। तो ये मैंने पहाड़ भी दिखा दी, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। और आज जिनका भी जन्मदिन होगा उनको हैप्पी बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी होगी तो उनको हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, लाखों करोड़ों शुभकामनाएं आपको। माता रानी हमेशा खुश रखे हमेशा, और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करो, तरक्की पाओ, यही हम मैं दुआ करती हूँ। और आप सब लोग मेरे लिए कितनी प्रे करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। जय माता दी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।